उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम आज दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को राजीव त्यागी प्रधान महाप्रबंधक के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत गाजियाबाद के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई पर जोर देते हुए औद्योगिक क्षेत्र मसूरी गुलावटी रोड हापुड़ UPSIEDC में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। सफाई अभियान में UPSIDA के प्रबंधक सिविल सतीश कुमार, प्रबंधक सिविल ब्रह्म सिंह, प्रबंधक सिविल सोनू पांडे, प्रबंधक कनिष्ठ सहायक राकेश सिंह, मसूरी गुलावटी रोड औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन के पदाधिकारी बबलू चौधरी, सलाम चौधरी, संदीप बंसल, अजय भारद्वाज, मोहम्मद मियां, नितिन गोयल द्वारा स्वयं एक नग JCB मशीन और ट्रैक्टर टोली तथा 20 सफाई कर्मचारी के सहायता से स्वच्छ अभियान सौर ऊर्जा मार्ग एवं अन्य मार्गों पर चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान में अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय नागरिकों द्वारा भी रुचि लेते हुए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा शपथ ग्रहण भी लिया गया। इसी क्रम स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जनता को अपने आसपास स्वच्छता रखने के लिए प्रेरित किया गया। आज UPSIDA में सफाई अभियान बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, सारे अब व्यापारी पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो पूरे देश के अंदर जो आज का दिन है सफाई के लिए जो चुना हुआ है और सभी लोग बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं, मैं तो ये कहूँगा ये दिन हम डेली बनाएं और अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने घर, अपनी इंडस्ट्री, उसके सामने हम सब इतनी स्वच्छ अभियान को चलाएं जो लगे कि हाँ कि कचरा नाम की कोई चीज़ हमारे यहाँ पर रोड पर नहीं मिलेगी। और सभी से मैं कहूँगा सिर्फ अपने यहाँ संभाल लो, आप समझो अपने यहाँ संभाल लिया आपने, अपनी गली साफ कर ली तो स्वच्छ भारत हो जाएगा ये, और स्वच्छ भारत अभियान में सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, यही मेरा कहना। हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा आदेश दिए गए हैं कि सभी उद्योग क्षेत्र को साफ सुथरा किया जाए और सभी उद्योग क्षेत्र की टूटी सड़कों का निर्माण किया जाए। इसी क्रम में हमारे उद्योग क्षेत्र मसूरी गुलावटी में करीब 12 करोड़ के काम चल रहे हैं सड़क निर्माण के, और बाकी 16 करोड़ के जो है पाइपलाइन में है जो फ्यूचर हो जाएंगे। और आज हम लोग यहाँ पे एसोसिएशन के साथ मिलकर के सफाई अभियान शुरू किया है, हमें 2 सड़कें अभी साफ कर चुके हैं, 9:30 बजे से लगे हुए हैं ऑफिस साफ किया और आज पूरा दिन सफाई करेंगे। तो उद्योग क्षेत्र में आज हम लोग जहाँ जहाँ भी कूड़ा करके खड़ा हो फिर उसको साफ करा देंगे, और हम सब एसोसिएशन और हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। हम जल भराव की बहुत समस्या थी, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी सुधार हो गया सड़कों पर, पिछले 3 साल से कहीं भी पानी नहीं है और जो पार्कों में कहीं पानी है थोड़ा बहुत उसको निकाल। इसी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी मतलब पहल है और UPSIDA काफ़ी काम कर रहा है अभी यहाँ पे, पिछले 1-2 साल से काफ़ी एक्टिव है और पिछली बार भी अभी मीना जी आए थे तो उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बताई थी कि आने वाले समय में ये चीज़ें होंगी, और तब से वो आए हैं, लास्ट टाइम की एक बार पिछले 5-6 महीने पहले आए थे तो उन्होंने तब भी हमें आश्वासन दिया था कि काफ़ी काम होने, और उसको हम देख भी रहे हैं UPSIDA काफ़ी काम यहाँ पे कर रहा है इंडस्ट्रियल एरिया में, और आने वाले समय में भी काफ़ी काम की उम्मीद है। और बस जो यहाँ जल भराव की और रास्ते वगैरह जो टूटे हुए हैं वो भी काफ़ी रास्ते बन भी रहे हैं और अभी कुछ रास्ते बनने हैं, और बस इसी तरीके से अगर कंधे से कंधा मिला के एसोसिएशन और UPSIDA काम करते रहे तो सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में 6 महीने में या 1 साल में एक अच्छा मतलब हमारा इंडस्ट्रियल या MGRW मतलब जो है ये एक अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया बन के आएगा, और मतलब जो भी जो हमारी छोटी मोटी समस्याएं हैं यहाँ पर वो सारी दूर हो जाएंगी, और उसी के लिए बस यही कहना चाहेंगे कि जैसे काम चल रहा है बस उसी तरीके से। एक अच्छा पहल है क्योंकि हमें हमेशा सफाई के साथ ही रहना चाहिए, गवर्नमेंट ने जो पहल की है उस पर हमें भी ध्यान देना चाहिए, और जो महीने में 2 दिन के लिए कहा गया है 2 घंटे भी अगर हम लगाएंगे सफाई अभियान में तो अच्छा लगेगा, और यहाँ पर जब सफाई के तरीके से रहेंगे तो लोगों का दिल भी लगेगा क्योंकि सफाई एक अलग चीज़। आज केंद्रीय सरकार द्वारा पूरे देश में स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है, इसी संदर्भ में हमारे औद्योगिक क्षेत्र की जो संस्था है UPSIDA उसके द्वारा हमारे औद्योगिक क्षेत्र में स्वच्छता अभियान आज किया गया, पूरे क्षेत्र में सफाई पे बहुत जोर दिया गया, सड़कों को साफ किया गया और जो जहाँ जहाँ कचरा डाला था उस सबको हटाया गया। अभी पीछे कुछ समय से UPSIDA निरंतर प्रयास में है कि औद्योगिक क्षेत्र में जितनी अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा सकती हैं उस पर वो कार्यरत हैं, सारे अधिकारियों का बहुत सहयोग मिल रहा है और सब चीज़ों पे एक गंभीरता से विचार करके कि क्या चीज़ और अच्छी की जा सकती है, एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। और हमारे साथ की दूसरी एसोसिएशंस भी हैं, हमारे बबलू भाई साथ खड़े हैं, हमारे UPSIDA से सतीश जी हैं, सब मिलके यहाँ पे समाधान निकाल रहे हैं और सब मिलके काम कर रहे हैं, सबका एक ही उद्देश्य है कि औद्योगिक क्षेत्र में कैसे प्रगति हो
और कैसे समस्याओं का निराकरण। ये बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे यूपी सीडा का। और अभी पीछे यूपी सीडा ने बहुत ही अच्छी वर्किंग करी है, एसटी वालों की बहुत उन्होंने बातें सुनी है। और हमारे बबलू जी हैं महासचिव साहब और अध्यक्ष जी दीपक शर्मा जी ने लगातार प्रयास से यूपी सीडा को कोऑर्डिनेट करके यूपी सीडा ने बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों को बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। सबसे पहले लाइट्स हैं और 400 लाइट इन्होंने हमारे इंस्टॉल कर दी है, जिससे हमारा पूरा औद्योगिक क्षेत्र जो है जगमग जगमग हो रहा है। और रोडों का काफ़ी थोड़ा सुधार करने की कोशिश करी जा रही है, ड्रेनिंग के लिए किया जा रहा है। और आज जो हम सब लोगों ने मिलके ये सफाई अभियान चलाया है, उसमें यूपी सीडा के सारे अधिकारी हमारे साथ हैं और काफ़ी सब लोग संडे को स्पेशल आए हैं फैक्ट्रियाँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करी जा सके। और बड़ा अच्छा सबका सहयोग है, बहुत अच्छा।